हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सो आज मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाली हूँ, जो कि है ऑयली स्किन के बारे में। तो आज इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स प्लस होम रेमेडीज़ भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, जिससे कि अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आप ऑयली स्किन को नॉर्मल स्किन में कन्वर्ट कर सकते हो। जो भी टिप्स एंड ट्रिक्स आप लोगों के साथ शेयर करूँगी एंड जो होम रेमेडी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, इन सब को अगर आप फॉलो करोगे तो डेफिनेटली आप अपनी ऑयली स्किन से छुटकारा पा सकते हो और आपकी ऑयली स्किन धीरे धीरे करके नॉर्मल स्किन हो जाएगी। सो रेमेडी को देखने से पहले टिप्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ, जिसे आपको फॉलो करनी चाहिए, और प्लस कुछ मिथ्स भी है ऑयली स्किन को लेके, तो वो भी मैं पहले आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो ऑयली स्किन आप मत सोचिए कि अच्छी नहीं है, क्योंकि ऑयली स्किन से हमारी फेस बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट रहती है और प्लस आपकी स्किन में बहुत ही जल्दी रिंकल्स नहीं आती है। लेकिन अगर आपकी बहुत ज़्यादा ऑयली स्किन है, यानी सीबम की प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होती है, तब आपके लिए ऑयली स्किन प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि तब आपकी स्किन आपको एक्सेसिव ऑयलीनेस लगेगी, स्किन में पिंपल्स होगी, एक्ने होगी, ओपन पोर्स की प्रॉब्लम हो सकती है आप लोगों की एक्सेसिव ऑयल की प्रोडक्शन से। तो इसीलिए ऑयली स्किन को नॉर्मल स्किन में आप कन्वर्ट कर सकते हो कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स से। तो सबसे पहला जो टिप है वो है फेस वॉश। फेस वॉश आपको दिन में 2 बार करनी है अगर आपकी ऑयली स्किन है। तो बहुत लोग ऐसा करते हैं क्योंकि उनकी स्किन ऑयली होती है, तो वो बार बार अपने फेस को वॉश करते हैं। तो ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। सिर्फ आपको दिन में 2 टाइम्स ही फेस वॉश करनी है, एक सुबह और एक बार रात को सोने से पहले। रात को सोने से पहले फेस वॉश करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नहीं तो आपकी फेस में बहुत ज़्यादा ऑयल की प्रोडक्शन होगी और एक्ने पिंपल जैसी प्रॉब्लम भी आप लोगों की हो सकती है। एंड अच्छा फेस वॉश भी आप लोगों को चूज़ करना चाहिए जो ऑयली स्किन के लिए बनी हो, जैसे कि आप यूज़ कर सकते हो क्लीन एंड क्लियर का फेस वॉश, या फिर कोई भी आप फेस वॉश यूज़ कर सकते हो जो एक्सेस ऑयल को निकाल दे। तो उस तरीके की फेस वॉश आप यूज़ कर सकते हो। एंड आप माइल्ड सोप भी यूज़ कर सकते हो, जैसे कि पियर्स सोप भी बहुत ज़्यादा अच्छी है अगर आपकी ऑयली स्किन है। एंड द सेकेंड एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टिप जो है वो है मॉइस्चराइज। जिनकी ऑयली स्किन है उनके माइंड में एक मिसकंसेप्शन होती है कि हमारी स्किन तो ऑलरेडी ऑयल है, तो हमारी स्किन को हमें मॉइस्चराइज रखने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इस पॉइंट में ही आप गलती कर देते हो। इस गलती से ही आपकी स्किन में एक्ने, पिंपल, ओपन पोर्स, एक्सेसिव ऑयल प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाती है। मॉइस्चराइज आपको हमेशा करना है, नहीं तो आपकी स्किन और भी एक्सेस ऑयल प्रोडक्शन स्टार्ट कर देती है। क्योंकि आप अपने फेस में कुछ भी अप्लाई नहीं कर रहे हो, तो आपकी स्किन अपने आप को मॉइस्चराइज रखने के लिए खुद ब खुद बहुत ज़्यादा ऑयल की प्रोडक्शन करती है, जिससे कि आपकी स्किन धीरे धीरे बहुत ज़्यादा ऑयली हो जाती है। लेकिन जब आप मॉइस्चराइज़र अप्लाई करोगे तो आपकी स्किन इतनी ज़्यादा खुद से इतनी ज़्यादा ऑयल प्रोडक्शन नहीं करेगी, क्योंकि मॉइस्चराइज़र ऑलरेडी आपकी फेस को मॉइस्चराइज कर देगी। तो आपकी स्किन इतनी ज़्यादा ऑयल की प्रोडक्शन नहीं करेगी आपकी स्किन को मॉइस्चराइज रखने के लिए। तो इसीलिए मॉइस्चराइज चाहे आपकी जो भी स्किन हो आपको करना चाहिए, बट इन द करेक्ट वे। अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आपको हमेशा ऑयल फ्री मॉइस्चराइज़र ही यूज़ करनी चाहिए, वही ऑयली स्किन के लिए बेस्ट है। अगर आपकी ऑयली स्किन है और आप यूज़ कर रही हो कोई ड्राई स्किन की मॉइस्चराइज़र, तो आपकी स्किन के लिए वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं होगी। तो इसलिए हमेशा आपको अपनी स्किन को मॉइस्चराइज करना है दिन में 2 बार। तो अगर आप जानना चाहते हो कि ऑयल फ्री मॉइस्चराइज़र कौन सा आपके लिए बेस्ट है, अगर मार्केट में आपको जो इजीली मिल जाएगा उसका ऑप्शन आप लोगों के साथ शेयर करूँ, तो वो होगा क्लीन एंड क्लियर का ऑयल फ्री मॉइस्चराइज़र। तो बहुत ही ज़्यादा बजट फ्रेंडली है और आपको इजीली ये मार्केट में मिल जाएगी। और आपका बजट थोड़ा सा हाई है तो आप ले सकते हो न्यूट्रोजेना का ऑयल फ्री मॉइस्चराइज़र, वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है ऑयली स्किन के लिए, या फिर आप एलोवेरा जेल भी यूज़ कर सकते हो। और जो स्किन केयर रूटीन में होती है वो सनस्क्रीन। तो सनस्क्रीन भी आपको ऐसा सनस्क्रीन यूज़ करना चाहिए जो ऑयल फ्री हो, यानी आप कह सकते हो जो जेल फॉर्म में हो वो सनस्क्रीन आप यूज़ कर सकते हो। एक्सटर्नली तो आप इन टिप्स को फॉलो करोगे ही, प्लस इंटरनली भी आप बॉडी को क्लीन रखना होगा, फ्रेश रखना होगा, तभी ना आपकी स्किन में जो भी एक्सेस ऑयल की प्रोडक्शन है वो रुकेगी, स्टॉप होगी। तो इसके लिए जिनकी ऑयली स्किन है उन्हें डायरी फूड्स अवॉइड करना चाहिए, यानी कोई भी फूड जो मिल्क से बनी हुई है उन फूड को आप अवॉइड कीजिए। एंड सेकेंडली आपको ज़्यादा ऑयली फूड नहीं खानी है। ऑयली फूड तो कोई भी स्किन टाइप्स के लिए इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं होती है, लेकिन स्पेशली ऑयली प्लस पिंपल एक्ने प्रोन स्किन के लिए ऑयली फूड इज़ अ बिग नो नो। ऑयली फूड का जो अमाउंट है आप लेते हो वो बहुत ज़्यादा लिमिटेड आप कर दीजिए।
एंड जंक फूड तो अब पता ही है अच्छी नहीं होती है, तो जंक फूड, ऑयली फूड एंड डायरी फूड्स आपको नहीं लेनी है, अगर लेते भी हो तो बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड अमाउंट में। सो ओके, मैंने आप लोगों के साथ एक कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स मैंने शेयर कर दी है, इन टिप्स एंड ट्रिक्स को आपको हमेशा फॉलो करनी है। अब बढ़ते हैं कि कौन सी होम रेमेडी अप्लाई करके आप अपनी ऑयली स्किन को कंट्रोल में ला सकते हो और ऑयली स्किन को कैसे आप नॉर्मल स्किन में कन्वर्ट कर सकते हो। आज एक होम रेमेडी शेयर करूँगी, ये एक फेस पैक है जो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, ज़्यादा इंग्रेडिएंट आपको लेने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ दो इंग्रेडिएंट मैं इसमें यूज़ करूँगी और दोनों ही इंग्रेडिएंट काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होती है और बेस्ट है ऑयली स्किन के लिए। तो चलिए उस रेमेडी को देख लेते हैं। सो मैंने एक क्लीन बाउल लिया है और फिर मैंने लिया है एक एग और फिर इस एग को मैंने एक बाउल में ट्रांसफ़र कर दिया है और इस पूरी एग को हमें नहीं लेना है, सिर्फ एग वाइट को हमें लेना है। आप देख सकते हो कैमरा में जो एग वाइट है ना, सिर्फ हम उसे ही लेंगे और बाकी के एग को आप कुकिंग में यूज़ कर सकते हो। सो मैंने एक दूसरी बाउल में इस एग वाइट को ट्रांसफ़र कर दिया है। सो इस एग वाइट के साथ मैंने लिया है एक लेमन। सो ये पूरी लेमन हमें नहीं चाहिए, छोटा सा पीस आपको लेना है और इस लेमन को मैं स्क्वीज़ करते हुए इस एग वाइट में मैं मिक्स करूँगी। अगर आप मेज़रमेंट चाहते हो तो नियर अबाउट आपको 1 टीस्पून लेमन जूस इसमें ऐड करना है और एग वाइट मैंने यहाँ पे 2 टीस्पून ऐड किया है, इससे ज़्यादा आपको ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। और फिर इसे अच्छी तरीके से मिक्स कीजिए और मिक्स करने के बाद आप देखोगे कि इसके कलर चेंज हो गई है, एकदम वाइट कलर में आ गई है और बहुत ही पतला थिन कंसिस्टेंसी है इसकी। इस फेस पैक को आपको पूरे फेस में अप्लाई करना है, एकदम जेंटली कंसिस्टेंसी में है, आपको लगेगा नहीं कि आप फेस पैक अप्लाई कर रहे हो। तो इसे इसलिए अप्लाई करने से पहले आप कोई ऐसा ड्रेस पहन लीजिए जो पुरानी हो, क्योंकि आपकी ड्रेस थोड़ी सी मैसी हो सकती है क्योंकि इसकी कंसिस्टेंसी बहुत ही ज़्यादा थिन है। तो आप इसे पूरे फेस में इस तरीके से अप्लाई कीजिए और 5 मिनट्स के लिए आप ऐसे ही रख दीजिए और 5 मिनट्स के बाद जब आप देखोगे कि आपकी जो स्किन है वो ड्राई हो गई है थोड़ा बहुत, फिर से आप इसे और एक बार रीअप्लाई करोगे। मैंने इसलिए ऐसा किया है क्योंकि अगर मैं एक साथ ज़्यादा अप्लाई करूँगी तो वो अच्छे से नहीं लगेगी मेरे फेस में। तो एक बार आपको अप्लाई करना है थोड़ा सा, 5 मिनट्स के लिए वेट कीजिए और 5 मिनट्स के बाद फिर से अप्लाई कीजिए और फिर इसे 10 मिनट्स के लिए आप छोड़ दीजिए और 10 मिनट्स के बाद मैंने मेरे फेस को नॉर्मल प्लेन वाटर से वॉश कर लिया है। सो टोटल हमने 15 मिनट्स रखा है इस फेस पैक को। सो इस पैक को लगाने से पहले आपने देखा ही होगा कि मेरी स्किन कितनी ज़्यादा ऑयली है और फेस पैक को लगाने के बाद आपके सामने रिजल्ट है, इंस्टेंटली सारी ऑयलीनेस गायब हो गई है। तो इससे आपकी ऑयलीनेस तो जाएगी प्लस आपकी स्किन टाइट भी होगी एंड विद टाइम आपकी फेस बहुत ज़्यादा क्लीन एंड क्लियर भी होगी। एंड और एक बात, अगर आपकी ऑयली प्लस सेंसिटिव स्किन है तो फेस पैक को तब आपको यूज़ नहीं करना है, क्योंकि इसमें हमने लेमन जूस हमसे ऐड किया है और लेमन जूस सेंसिटिव स्किन को थोड़ा सा इरिटेट कर सकती है। अगर आपकी सेंसिटिव स्किन है तो इसे अप्लाई करना अवॉइड कीजिए। आप अप्लाई कर सकते हैं टमाटो को 2 पीसेस में कट कीजिए और टमाटो को लेके डेली आप अपने फेस में जल्दी इसे मसाज कीजिए और 15 मिनट्स के बाद आप अपने फेस को वॉश कर सकते हो। या फिर आप कुकुम्बर का एक स्लाइस लीजिए और कुकुम्बर को भी आप पूरे फेस में ऐसे मसाज कीजिए और उसका जूस आपके पूरे फेस में लग जाएगा। उसके बाद आपको 15 मिनट्स के लिए रखना है और 15 मिनट्स के बाद आप नॉर्मल क्लीन वाटर से उसे वॉश कर सकते हैं। तो अगर आपकी सेंसिटिव स्किन है तो आप ये 2 टिप्स यूज़ कर सकते हैं और बाकी जिनकी सेंसिटिव स्किन नहीं है, लेमन से आपको कोई इरिटेशन नहीं होती है, तो ज़रूर आप इस एग वाइट एंड लेमन जूस का जो फेस पैक है वो ज़रूर ट्राई कीजिए। और इस फेस पैक को आपको वीक में 3 टाइम्स यूज़ करनी है, जब तक कि आपको डिजायर्ड रिजल्ट ना दिखने को मिले तब तक आपको इसे वीक में 3 डेज अप्लाई करनी है। जब आपको लगेगा कि आपकी जो ऑयली स्किन है वो थोड़ा सा कंट्रोल में आ गई है और धीरे धीरे करके आपकी स्किन नॉर्मल हो रही है, तब आप इस फेस पैक को वीक में 1 बार या फिर 2 बार यूज़ कर सकते हो। और इस फेस पैक के साथ ज़रूर आप मैंने जो पहले आप लोगों के साथ टिप्स एंड टिप्स शेयर की है उन्हें तो आपको ज़रूर फॉलो करनी है। इन दोनों को एक साथ जब आप फॉलो करोगे तब ही आपको एकदम डिजायर्ड रिजल्ट एंड विजिबल रिजल्ट आप देख सकते हो अपने फेस में। तो आई होप आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रही होगी। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे और भी वीडियोज़ देखते रहने के लिए। सो मैं मिलूंगी मेरे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय गाइस।